पैसा, हम पैसा ना लेवे, हम खाली खाए 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 भात दाल पापड़ तिलौरी ऊपर से घी, भूख लगे भूख लगे भूख लगे। अबे अबे पकड़ा गेले तकरा खतम कर देबो, तोरो खतम कर देबो, हमरा खतम कर, हां तो हमरा खतम करबे, बात ना कर ना खबे, बहुत मारे तू से राते से, बहुत मार मारे तेरा ऊपर से घी, राते से बहुत मार मारे तू आउ आ, लेकिन आज हम सब आवे दरबारी, इसे क्यों मार रहे हो? मार रहा है तिल दा ओकरे गर्दन पर लो ओकरा दम खो। पिताजी वो पागल के कहिए मत मारने के लिए, जाने दीजिए इस सभा पर, जब राजा महाराजा नहीं हुआ ये मेरे भाग में, जब पगला लिख लिया तो मैं पगले के साथ रहूंगी। तो ऐसे जीवन चल जाते दरबारी, तुम नहीं जानते हो कौन भेष में कौन मिलता है, चाहे तो मेरा भेष में अगर भाग में पगला लिखा है तो मैं पगले के साथ रहूंगी। पिताजी जो कपड़ा है उसे और नया वाला कपड़ा निकाल के उसे पहनाइए। इसको बात तुमने समझा? हमारा देखिए वो जानवर है, जानवर हाथी, और इस एक ही लड़का को गले में, एक ही लड़का को गले में तीन मरतबे जयमाला डाल दिया। अच्छा, अच्छा। बेटी ढरोखा पर से देख रही थी, तू मार रहा था ना, वो आके रोक दिया, कहा कि पिताजी हमारा भाग में अगर पगला लिखा हुआ है तो हम राजा को लड़का कहाँ से का? सुनो पगली रे पागल कहे लाना, सुनो पगली रे पागल कहे लाना, जतना के सोईरी के कपड़ा रही काहे में ये झुतरा से इतर बाबू कन रहे एकरा उतारे काहे आए तू पहनी ना दोसर तोरा पहनाब ना ना हम ना पहने दोसर हम ये पहने आई मार के रान तोरो मारे हम मारे मुहे पर पगली रे
ओ लड़का के पहले जूता पहना बता ना एगो तू पहने एगो तू पहने तू लड़का है तोरा ब्याह होता हो तू हमरा से ब्याह करे ओरा से हम ब्याह करे हमरा से ब्याह ना करे तू तोरा पहने ना तोरा ब्याह होता हो तोरा ब्याह हो जतना पागल है से मोरैया सिबर बड़ा में ढुकल हो देखो भाई तुम कहिए कि हमारे नसीब में पागल लिखा हुआ है तो हम राजा महाराजा को लड़का कहाँ से लाते हाँ पिताजी तो पगला के साथ हम पगला नहीं होंगे जितना धन दौलत लेना है रुपया सोना चांदी हीरा मोती जो मांगना है मुझसे मांग लो हम दे देंगे लेकिन पगला को जाओ अब तुम संभालो पिताजी जान दीजिए ये मुझे हीरा मोती पैसा नहीं चाहिए जब मेरे भाग में पगला निकाह है मैं उनको मैं अपने ठीक कर लूंगी तुम समझाओ ठीक है जाइए हाथ हरा दीजिए कम से कम क्या रे तोरा हम करंट लगवा देबो दिमाग में हम तोरो मार देबो रे हाथ टूट जाए टूट जाए तो क्या होए कनिया है तोर कनिया है स्वामी जी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्या हमसे हाँ क्या कहना है क्या सुनाओ ठीक है सुनिए मैं बता स्वामी जी मैं तो आपसे पता पूछी कहाँ घर है कहाँ द्वार है क्या आपको नाम है क्या आपको छोटा भाई के नाम है क्या भाई के नाम लेते हुए ये मूर्छा के आप क्यों गिर गए सही सही हलिया न सामी जी
आपसे मैं पता पूछी, आपको छोटा भाई के नाम ली, आप मूर्छा के क्यों गिर गए? आप पता बताइए, कहाँ घर है, कहाँ द्वार है? क्या आपको पिताजी के नाम है? क्या आपको नाम है? क्या आपको छोटा भाई के नाम है? ये पता जाने से तुम्हें क्या जरूरी? नहीं स्वामी जी, ये पता जानने के जरूरी है, कहे कि आप पति और मैं पत्नी हो गई। पति और पत्नी? हाँ। कैसे? स्वामी जी, जब जयमाला पड़ जाता है एक पति और पत्नी का रिश्ता हो जाता है। आप पति हैं, अब मैं आपको पत्नी हूँ। आप पता बताइए, आपको घर कहाँ है और द्वार कहाँ है? पता जाना चाहती हो, सुन लो मेरे कहाँ घर है से। ठीक है बताइए। आहे नहीं मोरे ना मेरा घर है ना मेरा द्वार है। पिताजी का नाम भी मैं भूल गया, अपना भी नाम भूल गया, छोटा भाई था उसका भी नाम मैंने भूल गया। नहीं स्वामी जी, ये आप झूठ बोल रहे हैं। आप जरूर पता जानते होंगे, बाकी मुझे बताते नहीं है। नहीं, आपको गुरु के कसम है, आपको गुरु के कसम है। नहीं तो आप पता बताइए, कहाँ घर है, कहाँ द्वार है, क्या आपका नाम है, क्या छोटा भाई के नाम है? तो गुरु का कसम क्यों रखा देती हूँ? मैं गुरु का कसम ये रखाती, मैं जानना चाहती हूँ कि गुरु के कसम अपराधी होता है। मैं जब तक आपको गुरु के कसम नहीं रखूंगी तब तक आप बताइएगा नहीं, उसी के लिए आपको गुरु के कसम में रख दी। आप पता बताइए सच्चा। सुनो मेरा घर कहाँ है, क्या नाम है से? आहे घर मोरा सहरिया है पारैया, हे पिताजी के हे नमामा महेश्वर सिंह कहा
मेरा घर पड़ता है मनिकपुर शहर। पिताजी का नाम महेश्वर सिंह है। माँ के कोख से दो भाई जन्म लिए थे। बड़े का नाम सिद्ध, छोटे का नाम बसंत। तो मेरा नाम सिद्ध हुआ, छोटे भाई का नाम बसंत हुआ। क्या आपको भाई कहाँ पर है? एक समय की बात है कि हमारे पिताजी, जबकि हमारी माँ मर गई तो हमारे पिताजी दूसरा शादी किए। दूसरा शादी करने के बाद सौतेली माँ ने झूठ मुठ के हमें दोनों भाई को फंसा कर करके और जलाद के हवाले करा दिया। जबकि जलाद के हवाले वो करा दी, जलाद के हवाले वो करा दी, उसके बाद में जलाद ले गया हमें दोनों भाई को जान मरने के लिए। जान मरने के जंगल में ले गया था। एक मंत्री न थे, वही मंत्री जी हमें बताए कि इसको दोनों भाई के जान छोड़ दो, जलाद जितना पैसा लेगा मैं तुम्हें दूंगा। तो मंत्री साहब ने हमें जान बचा दिए, जलाद को पैसा दे करके जलाद अपना घर चले गए। मैंने भटकते भटकते जंगल में चलाया। जबकि जंगल में आ गया तो मैंने एक महीना एक महीनी मेरा भाई बसंत ने मारा। तो मैंने कहा बसंत तू जंगल छोड़ के भाई जाना कहीं नहीं, मैं जाता हूँ जंगल पर से लकड़ी चुन करके लाऊंगा और सामने बस्ती पर से खाना मांग के लाऊंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो मैंने जलामन चुन करके लाया और मैंने जब जलावन चुन करके लाया और मैंने जंगल में मैंने देखा कि मेरा भाई नहीं है। तो मैंने भटकते भटकते भाई के कारण मैंने पागल बन गया। जबकि मैंने पागल बन गया तो स्वरम्बर में एक स्वरम्बर था रचा रहे थे जहाँ पर कि तुम्हारा घर है।
तो हमें माला पहना दिया, माला पहनाने के बाद तुमसे शादी करा दिया। अब ये बताओ कि शादी तू कर ली हमसे, मैंने मान गया, लेकिन मुझे न पैसा है न कौड़ी, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? सुनिए स्वामी जी, ये पैसा कौड़ी चिंता मत कीजिए, पैसा मेरे पल में है। अब चलिए वही जंगल में, जो जंगल में आपको भाई भुलाया हुआ है, वही जंगल में एक झोपड़ी बनाएंगे और दोनों गोटा उसी जगह रहेंगे। कहे कि अगर आपको भाई कहीं भी फटक उठक जरूर जंगल पर आएंगे। जबकि तू उस जंगल में चलेगी तो पैसा लाएगी तू कहाँ से? है बाप पापा दिया ना। हाँ हाँ, मेरे पल में है पैसा, चलिए तो आओ मेरे साथ। हेलो, मैं भाई के तलाश पर खोते खोते मैं तबाह हो गया। मुझे कोई उपाय नहीं काम करता है, भूख से मुझे परां जा रहा है, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता है, खाना भी नहीं मिलता, न पानी मिलता है, कैसे मैं जीऊंगा, क्या करूं? जंगल है? हाँ यही जंगल है। ठीक है स्वामी जी, यही जंगल में मैं दरबारी के कह देता हूँ, यही जंगल में एक झोपड़ी बन जाएगा। ठीक है, इसी जंगल में एक झोपड़ी बनवा दो और एक दासी के रख लेती हूँ। हाँ दासी में रहेगी तो काम करेगी, कहे कि आपको दूध दूध लाएगी और देगी टाइम से। ठीक है, मैं दासी के बुलाती हूँ। दरबारी दरबारी सुनो, एक दासिन ठीक कर दो, कहे कि स्वामी जी के दूध दूध लेकर देगी। दासिन? हाँ दासिन ठीक करेगो। तो हम हैवे करी। अरे तुमसे नहीं होगा, ये तो हमारा से, तो हमारा घर वाली से होता है। ओ हाँ, आपको घर वाली है? तो दासिन के जो पैसा दे भाई, सो हमारे घर वाली के दे दे। ठीक है ठीक है, बोला उसी को बोलाओ। ओकरे बोला? हाँ बोलाओ। कहाँ गेला है राम सुथर के माए? बोलो अतना तोरा खी बैले पी बैले दे पर तोरा हेरा न कहला चढ़ाई छे।
आए चोकर कहने देता है एकरा चलते तो चोकर तीन बोरा रखल है बोला ना काम कथी हो बोला काम मलखिनी काम समझा दी सुनो दासी तुम्हें दूध लेकर और राजा साहब के बंगले में पहुंचा देना है तुमको बस यही काम तुमको करना है ठीक है मलखिनी हे मलखिनी ई जे है ना से हमर साली भेल साली है तो घर वाली हम दू गो रख लेते एगो बाहर वाली एगो घर वाली तो हाँ साली भेल ओ उसी से पत्रा है सुनो दरबारी जाओ ये दासिन गए एक टिफिन कारी दे दो और कह दो दूध लेकर आएगी बंगले पर स्वामी जी के दे देगी समझा दे दे हमारा चिन्ह गले कि नहीं चिन्ह गले सब के एक आके रान फाड़ दे बोलो तोरा यहाँ तना काम है यहाँ से जो बजावते से वो टिफिन कारी ले ली है आ दूध उठौना कह के मालिक हथिन सुतल हुनका पिया के बस अतने तोरा काम है पिया के चल लबे के है ठीक हाँ चलो बिठावन करो बैठ कुछ देर आराम कर लेता हूँ आज का दूध बहुत मोटा है पकेने गाय के है पकेने गाय के है।